जठानी की गाड़ी है कि मोटू की हाइड एंड सिक। तो वो कहते खाना बदोशों की तरह चले जा। चंपा और गुलाब चंद की लाइफ में ऐसा हुआ है, एज ए प्रूफ रिएक्शन चैनल वालों के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करो, और बराबर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट मतलब एक दो कर ही देना, कमेंट्स ज़्यादा चाहिए मुझे, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कमेंट्स ज़्यादा करने से होता क्या है। क्योंकि मोटू की इसके पीछे भी एक थ्योरी है, क्या है वो मैं आने वाले समय में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज का टॉपिक की ओर। आज जो है, हो सकता है मैं एक ही वीडियो यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी YouTube टॉकीज पर। सो जिन्होंने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए उसको सब्सक्राइब करिए। ओके जी, बढ़ते हैं अपने अभी के टॉपिक की ओर। तो जी, आप लोग भी बड़े ही खुश हो, और ये देखकर कि नन्नू जो है फाइनली अपने बेटे से मिल लिया, वाह बाप होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आप लोगों ने देखा कि नन्नू ने टाइटल क्या लिखा। इस समय जो टाइटल चल रहा है ना, कुछ अजीब ही चल रहा है, लेकिन नन्नू का टाइटल पॉजिटिव ही था, ठीक है। और वहाँ पर पुत्तन जो है वो अपनी ड्रेस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी। पुत्तन का कंफ्यूज होना जायज ही था। आप लोगों ने देखा होगा कि पुत्तन ने कहा कि मैं हमेशा पजामा, लोअर, टी शर्ट्स और ये सब कभी भी ऐसे मतलब वेयर कर लेती हूँ, मुझे कभी भी सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन जब इसको हियरिंग पर जाना होता है, जब इसको बड़ा ही सोचना पड़ता है, बिंदी लगा कर हो जाती हैं तैयार और वहाँ पर पहुँच ही जाती हैं अपनी इंडियन ड्रेस में, है ना, इंडियन लुक लेकर ये पहुँच ही जाती हैं वहाँ पर। कोशिश करती हैं कि सब चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं, ऐसी कोशिश ये दिखावे के लिए करती हैं, वैसे अंदर में कुछ और ही चल रहा है। सो मेरा भी कल थंबनेल कुछ ऐसा ही था, नन्नू का डेविल मतलब जो भी है। तो कौन डेविल है कौन एंजल है वो आप लोगों को पता लग ही गया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बहुत सारी क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर जुठियंका ने ये चीज़ें बोली हैं, एक तो इनके कमेंट्स जो हैं बड़े ही ज़बरदस्त आ रहे हैं, इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं कि एक पूरी स्क्रिप्ट ही रेडी हो रही है। मोटू इनके साथ नहीं गया था, मोटू क्यों नहीं गया था साथ, लेकिन पूरी ये फैमिली ही पहुँची थी वहाँ पर, जहाँ सिर्फ जुठियंका पहुँची थी। जुठियंका ने बोला कि मैं पुत्तन का जो एपिसोड है वो कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि पुत्तन के पास इतना समय नहीं है जहाँ वो तैयार हो रही थी। तुमने सोचा मैं थोड़ा तड़का लगा दूँ, लेकिन लोगों को मैं ये दिखाना चाहती हूँ मैं कितनी केयरिंग हूँ इसके लिए, और कितनी लविंग भी हूँ, और कितना सोचती हूँ मैं अपने सिबलिंग के लिए, है ना, सोचती थी, लेकिन अब नहीं। चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जा रही है जुठियंका की ओर से, लेकिन जब मदर इंडिया ने बोला था कि सिर्फ एक माफ़ी मांग लो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो जुठियंका ने एक महीने के लिए अपनी मदर को नहीं बुलाया था। अब देखिए बिहाइंड द कैमरा क्या था हमें नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें जब बोली गई हैं तो वो सारी बातें हमें याद है, है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ, हम लोग आपस में डिस्कस कर पा रहे हैं। जुठियंका तुम वहाँ पर इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना। अच्छा, मेरे को किसी ने बोला है कि पंजाबी उनको वर्ड्स जो हैं अच्छे लगते हैं, पंजाबी लैंग्वेज उनको अच्छी लगती है। जब मैं बोलती हूँ तो मैं मतलब उसका मीनिंग भी समझा दिया करूँ। अच्छा हाँ, ये बात तो है कि देखिए जो मदर टंग है वो कहीं ना कहीं आप बोल ही देते हो, आपकी जो मदर टंग है, है ना। तो इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना, मतलब यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, लेकिन शिमला जाना जरूर। तो इसका मतलब ये है इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना। तो आप लोगों ने देखा होगा जुठियंका एक महीने के लिए जो इन्होंने घर ले रखा था रेंट पर, वहाँ पर 1 मंथ के लिए इनको रुकना था। बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था जैसे अपने घर से दूर हो, है ना। लेकिन अचानक ही उस घर से ये लोग दूर क्यों हो गए नहीं बताया, लेकिन सब लोग नाराज हो गए कि वहाँ घर पर भी काम करना है, यहाँ पर भी काम करना है, तो आराम कब करना है? ये आराम ज़्यादा नहीं हो रहा है लोगों का, रिलैक्सेशन कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही है? अब आप मुझे बताइए, मदर इंडिया ने कितनी रिलैक्स करा है वहाँ पर, 2.5 महीने रिलैक्स किया, मतलब इतना रिलैक्स। तो मदर इंडिया कहती मेरे को तो हड्डियों में आराम ही पड़ जाना है ना, मतलब हड्डियों को आराम पड़ जाना, इतना आराम पड़ जाना फिर दिल ही नहीं करेगा कोई काम करने के लिए।
अभी पूरा का पूरा परिवार निकला हुआ है घूमने घुमाने के लिए, किसी को कोई इतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चावल और खिचड़ी पर ही ज़िंदा रहना है तो भाई अपना घर माड़ा है, अपना घर बुरा है, मतलब वहीं पर रह लो, है ना। लेकिन नहीं, पैसा खर्च करेंगे। अब यहाँ पर 10 दिन के लिए भी रहेंगे तो आप लोग 20% या 32% अगर ऑफ मिलता है इनको होटल पे, तो आप मुझे बताइए कि अगर डेली का 6000 पर रूम का खर्चा है, क्योंकि पीक सीजन चल रहा है ना अभी, तो 6000 भी अगर माना जाए तो आप अंदाजा लगा लें कि डेली का इनको कितना खर्चा पड़ रहा है। और वहाँ पर पुतन के पास कोई 4000 नहीं है कि वो कटन पर खर्च करे, है ना। उसका बजट ही नहीं बन पा रहा, शायद उसको कॉपी पेन नहीं मिल रहा, जिस वजह से उसका बजट नहीं बन पा रहा। बजट तो ये आकर झूठे अंका ने बनाया ना, तेरा रूम अलग, मेरा रूम अलग। और पुत्तन का वो जो बड़ी बड़ी आगे करके कहती ना, शायद लाइट गई थी अब आगे, शायद मैंने आप लोगों को रूम टूर दे दिए ना, वो ऐसे करती है ना, ललता पुआर सी क्यों बनने लग जाती है, मतलब इतना सोचती है वो, मैं करती है ना, अजीब सी कभी कभी तो लगती है, कुछ ओवर एक्टिंग करती हुई नज़र आती है। रूम टूर ना हो गए, जैसे परमानेंट इन्होंने खरीद ही लिया है ना। और वहाँ पर पुतन का टाइटल क्या है, पुतन का टाइटल है कि इसको मतलब क्या हुआ, खुशी हुई कि दुख हुआ ज़्यादा। तो वहाँ पर उर्मिला अरोड़ा जी हैं जिन्होंने लिखा है कि इसको दुख हुआ वो घर छोड़ने का, वहाँ पर पैसा ज़्यादा लग गया, खुशी ये हुई कि ये यहाँ पर आ गई। लेकिन देखो ना, यहाँ पर काम नहीं करना पड़ा, एंजॉय कर रही है, स्वीपर को बुलाकर पूरा कमरा क्लीन करवा रही है, मदर जी वहाँ पर लेटी हुई वही एक्सपोज ही करती रहती है ये अपनी मदर को, है ना। तो वो खराटे भर रही, वो कोई छोटा बच्चा नहीं 2 साल का कि वो सो रहा है और आज स्वीपर को बुलाकर क्लीनिंग करवा रही हो अपने रूम की, है ना। तो ये बड़ा अजीब था कि मदर सो रही है, खराटे भर रही है और ये क्लीनिंग करवा रही है। ये सिर्फ कामतरंगी हरकत है, ये पुतन और जुठियंका ही कर सकती है। जुठियंका ने इस बार भी अपनी मदर को, वो हमेशा की तरह इसकी मदर को आदत ही पड़ी रहती है, जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है अपने कपड़े अपड़े ये वे ठीक करना शुरू कर देती है, रूम से ठीक करके नहीं निकलती है, है ना। तो लिफ्ट में वो सीन भी कैप्चर किया, कुछ सेकंड का ही वो करती है वो कैप्चर, लेकिन दिखा देती है। अब जुठियंका के पास क्या ही बातें हैं, सब लोग जो हैं खुलेआम नाम ले रहे हैं चिंटू का। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ फैमिली है, ले सकते हो, दिखा भी सकते हो, क्यों नहीं दिखाते हो, इतना डर लगता है आपको उसके फादर से। फिलहाल तो फादर ने कहा भी मैं भी डरता नहीं हूँ, तो आप लोग भी ना डरो, आप लोगों को भी कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। और वहाँ पर अभी मैंने जस्ट देखा है कि चंपा और वो जो गुलाब चंद है खूब अच्छा घूम फिर रहे हैं, लेकिन उनको भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने अच्छा धोया है, क्यों, क्या ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ हुआ ऐसा है कि पुतन के कमेंट सेक्शन में चंपा को बोला जा रहा है और चंपा के कमेंट सेक्शन में पुतन को बोला जा रहा है। ये कुछ अतरंगी हरकतें, इनके कुछ हाइड एंड सीख खेलते हुए खुद के ही सपोर्टर्स होते हैं, जहाँ ये लोग खुद ही होते हैं, जहाँ फिर ये दो सिबलिंग ऐसे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये गेम जो है, जो मोटो छोड़ गया है ना पीछे होटल में, जिसने कहा मैं थक गया मैं नहीं जाने वाला हूँ ना, तो वो गेम खेल रहा है, वो कहता मैं यहाँ बैठे कमेंट इधर से उधर करूँगा, तभी मैंने आप लोगों को बोला है ना कि भर भर के कमेंट करिए, मैं भी कमेंट्स का कुछ गेम देखना चाहती हूँ कि इसमें भी कुछ खेला है, ये खेला क्या है ये जी हमें मोटू ही बताएगा। और अभी मैं आप लोगों के साथ जो शॉकिंग न्यूज़ सी है ना, एक शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए, मेरे लिए शॉकिंग बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए तो बस यही है कि मैं हमेशा से पूछती नजर आई थी उस गाड़ी का क्या बना जो नन्नू जीजा से वापस ले ली गई थी। तो एक एपिसोड में बताया गया था पुतन की ओर से कि इन्होंने वो गाड़ी जो है वो वापस कर दी है ना, क्योंकि ये उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके पास इतना पैसा नहीं था कि ये इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर सके। इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 14-15 हज़ार इतनी ही थी है ना, लेकिन इसने उसके बाद लाखों रुपये का घर बनवाया, इसके पास अच्छी खासी सेविंग थी, लेकिन इसको दिखाना था मेरे पास सेविंग नहीं है, है ना, जहाँ फिर भी मैं खर्चा कैसे चलाऊंगी, बहुत सारी बातें थी, इसने गाड़ी के पास खड़े होके वो चीज़ों का खुलासा किया है ना। अभी मेरे लिए तो वो शॉकिंग नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, पूछती है जनता ये कि अभी जो अपनी गाड़ी से भी हम जा सकते थे, अपनी गाड़ी से वहाँ जा सकते थे, तो ये कौन सी गाड़ी है जिसमें इधर से उधर जाया जा रहा है, क्या जेठानी की गाड़ी है,
क्योंकि अगर इनके पास अपनी गाड़ी तो है नहीं, वो तो वहाँ पे गई हुई है, इनकी गाड़ी तो वहीं छोड़ के आए, बाय एयर आए हैं ये लोग। क्या बाय एयर इन्होंने बुक करवा ली थी, अपनी गाड़ी भी साथ लेके चलेंगे? इस गाड़ी का खुलासा इन लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ऊपर से नीचे पार्किंग दिखाई जाती है, गाड़ी की चेकिंग करी जाती है, तो ये गाड़ी जो है वो पुतन की ही है ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये खुद ही बता दे जेठानी की गाड़ी है या फिर पुतन की गाड़ी है। तो पुतन ने फिर झूठ बोला कि हमने वापस कर दी, क्योंकि अभी तक इंस्टॉलमेंट फिर पे करी जा रही होगी, है ना, क्योंकि पुतन ने कहा कि एक बार फिर से लुहावना सरप्राइज देकर अपने हस्बैंड को अपनी ओर किया जाएगा। लेकिन पति कहता तू दूर ही सही, है ना, मैं भी दूर सही, तू भी दूर सही, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। तो चलो उनके ऊपर अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि रिश्तों में अभी अगर इनके जो भी वहाँ से इनको मिल रहे हैं ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग ये लोग चल रही हैं पार्टी। लेकिन फिलहाल तो बहुत ही लोग कह रहे हैं पुतन को कि तुमने दूसरी पार्टी का मुंह बंद करवा दिया। भैया उसने मुंह क्या बंद करवा दिया, जहाँ पर जुठियंका ने लेट करवा दिया, ये घर से निकलने के लिए लेट हो गए, इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। दुख तो इस बात का था जो मैं अभी एक्सपोज करने जा रही हूँ पुतन को, तो मुझे लगता है कि ये आगे निकल गए थे, सोलन से भी आगे निकल गए थे। मैंने फिर वही बोला ना, इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, कोई और जगह इनके पास बचती ही नहीं है, ले देकर बस एक शिमला ही रह जाता है जहाँ पर इनको जाना होता है। ठीक है जी, तो इनको लगा कि और दूर हो गए हैं हम लोग, तो जी इसके लिए शायद हम लोगों को फिर से मिल जाएगा कि हाँ भाई कोई जरूरत ही नहीं आप लोगों को मिलवाने की, क्योंकि छुट्टियों में आप लोग जा सकते हो, है ना। लेकिन ये क्या हो गया, बड़े दुख की बात है। जज साहिब माने नहीं, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, हर बार तुम्हारा यही रहता है, कभी तुम्हें विंटर की छुट्टियाँ चाहिए, कभी तुम्हें समर की छुट्टियाँ चाहिए, तुम बहाना ढूंढती हो बच्चे को बाप से ना मिलवाने का, लेकिन तुम इस बार जरूर से मिलवाओगी। तो इसने बोला ठीक है मुझे जाना है तो मैं जाकर ही रहूँगी। सो ये दोनों निकल पड़े। सो ये तो थी इनकी कहानी, लेकिन अभी आगे इनकी कहानी मेरी जुबानी क्या कहने वाली हूँ वो सुनिए। तो जहाँ पर मैं आप लोगों को कार का भी, मैंने बाकी सारी चीज़ें तो मैंने क्लियर करी, लेकिन अब मैं ये पूछती हूँ, मैं क्या मेरे साथ और मेरे वाइटी फैमिली भी पूछती है कि मोटू की हाइड एंड सिक तो जो भी है जो है, लेकिन घर के जो बड़े हैं जानकी मदर इंडिया और मोटू अभी इस समय कुछ नहीं कह रहे, इनको नहीं समझा रहे, और वहाँ पर वो चनों पर खा के गुजारा कर रहे हैं अपने। आप लोगों ने देखा वो लंच डिनर क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो कहते खाना बदोशों की तरह चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चंपा और गुलाबचंद की बात कर रहे हैं, वहाँ पर चंपा ने भी कहा था कि जो इन्होंने रेंट पर हाउस लिया है वहाँ पर वो कम से कम 10 दिन रुकेगी, वो भी अपनी बातों पर खरी ना उतरी, एक ही दिन में बस एक ही रात रुके, दूसरे दिन निकल गए, और ये एक महीना रुकना चाह रही थी, ये भी सिर्फ 2 दिन रुके और निकल गए, एक दो रातें एक दिन रुके हैं ये लोग। मतलब सब कुछ झूठ था, या फिर ये कहा जाए कि वहाँ का एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं सबको बता दी जाती हैं, ये सारे पीआर करने के लिए निकले हैं और 50% इन लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ ऐसा ये भी हो सकता है। बाकी तो अब क्या ही बोलें, इनके लिए प्यार जो है उमड़ता नज़र आता है और उस प्यार पर पानी फिर जाता है पुतन के, जबकि पुतन को ये समझाया जाता है उसके सपोर्टर की ओर से कि नन्नू जो है वो फेक है और वो फेक ही रहेगा, तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों पुतन के सपोर्टर्स को ऐसे लगता है कि नन्नू जो है वो भी बाएं फ्लाए खड़ा है कि आ भाई तेरे लिए घर के रास्ते हमेशा ही खुले हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। फिलहाल जो भी स्टोरी है इनकी यहीं पर है, सोशल मीडिया पर ही है, ये वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपने घर की बातें सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज करी हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, ये मैं हमेशा ही कहती हूँ, है ना, कि नहीं पता लगना चाहिए, पड़ोसियों को भी नहीं लगना चाहिए, घर वालों को भी नहीं पता लगना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो दुनिया जहान में अपनी सारी बातें करी हैं। चलो पुतन की बिंदी जिंदाबाद और पुतन की इंडियन ड्रेस भी जिंदाबाद, जब जब हेयरिंग होती है, जब जब वो पहन के ये जाती है, है ना, एक बिल्कुल इंडियन गर्ल बनकर जाती है, लगता है कि हाँ भैया इसने वेस्टर्न छोड़ दिया है। लेकिन वेस्टर्न जो है वो भी अंग्रेज कहते हैं कि हम पछताते हैं आप लोगों को देखकर कि हम लोग इंडियन कल्चर में रमना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो है वेस्टर्न बनना चाहते हो, वेस्टर्न ड्रेसेस पहन कर ही इतना खुश रहते हो, है ना, अब क्या ही बोलें। तो ये तो इनकी थी कहानी, लेकिन रश पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, जुझंका भी काफ़ी बोलती हुई नज़र आई थी।
अब मैं आप लोगों के साथ जिनके लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, वो भी ज़रूरी है बात करना, आप लोगों के सामने रखना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो भी बहुत गलत है सोशल, लेकिन उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। तो लेकिन इंस्टा पर जो उनकी स्टोरीज हैं उन पर आप लोग देख सकते हो, उनका कमेंट सेक्शन आप लोग रीड कर सकते हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मतलब इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो कि हम लोग आप लोगों को खुलकर भी नहीं बता सकते कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ क्या हुआ है। लेकिन कुछ एक इनके चाहने वाले या इनके जो बहुत ही क्लोज हैं या फिर कह दें इनके कोई फैमिली मेम्बर ही ऐसे हैं जो काफ़ी बातें और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो लीक कर रहे हैं, एज ए प्रूफ रिएक्शन चैनल वालों के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं डिस्क्लोज कर सकते क्योंकि जब तक वो खुद ही सामने आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं ये चीज़ें बोल देते कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं, या खुशी के साथ क्या हुआ है, क्या इसके साथ भी खुशी के साथ वही सीन हुआ है जो कि पारस ठकराल और स्नेहा ठकराल के बीच, सचदेवा के बीच में हुआ था, क्या सब वही चीज़ें या फिर उससे भी कुछ अलग हटके हैं। बहुत सारी बातें हैं, पता होने पर भी नहीं बता सकते हैं आप लोगों को। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, वो हम लोग भी उस टॉपिक पर बात करें, हम लोग भी जनता ये पूछना चाहते हैं कि खुशी के साथ क्या हुआ, जहाँ विवेक चौधरी या खुशी कोई भी यहाँ पर आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपना डिस्क्लोज करे, सब लोगों को वो चीज़ें क्लियर करे, क्योंकि जनता इनके साथ जुड़ी हुई है, जनता फिक्र कर रही है, जनता सोच मतलब कि व्यूअर्स जो है ना अटैच्ड है, वो चाहते हैं कि आप लोगों का थोड़ा तो पता लगे। ठीक है आप अपनी प्राइवेसी नहीं बताइए किसी को कि क्या चल रहा है आपकी इस समय घर की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, जो भी है वो बातें क्लियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार अपने हालचाल देने के लिए इन लोगों को सामने तो आना चाहिए, है ना। वो कौन है रिश्तेदार, वो कौन है कोई अपना भाई बंधु जो ये सब चीज़ें जो हैं, चाहे अब मैं क्या ही बताऊँ, जो दूसरों तो रिएक्शन चैनल वालों तक के पास में वो सारे एविडेंस पहुंच रहे हैं, वो सब चीज़ें पहुंच रही हैं। तो आप लोग कहोगे तो हम लोग भी जरूर से डिस्कस करेंगे, विवेक चौधरी और खुशी पंजाबन के ऊपर बात करेंगे, और वहाँ पर अभी एक और हैं उनके लिए भी बात करना मैं चाह रही थी, लेकिन सोचती हूँ कि इस एपिसोड में तो बिल्कुल ना करूँ क्योंकि ये जिज्जी लोगों का एपिसोड है। ठीक है, तो ये जिज्जी लोगों पर हमने शुरुआत करी थी तो एंड भी मैं जिज्जी लोगों पर ही करना चाहूँगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि पुतन तुम्हारे घर के बारे में जिसके लिए तुम वीकेंड का वार खेलती थी, अभी वो इस समय अकेला अकेला फील कर रहा है ना। तो तुमने तो अभी फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया है, लेकिन उसकी चौकीदारी के लिए, उसकी मतलब टेक केयर के लिए आप लोग किसको छोड़ के आए हो कि पीछे के घर की फिक्र हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा अपना ही कोई वहाँ पर रुका हुआ है, ये जरूर अपने एपिसोड में बताना। क्योंकि हर किसी को घूमने फिरने का हक है, हर कोई जा सकता है घूमने फिरने के लिए, और पुतन के ही कमेंट सेक्शन में किसी एक ने लिखा है, अरे तुम्हें क्या तकलीफ है, किसी दूसरे को रिप्लाई देते हुए कि 6 महीने बाद तो वो बेचारी गई है, बच्चे की छुट्टियाँ, क्या वो जा नहीं सकती, शायद वो बहुत देर बाद इस इनके एपिसोड देख रही होंगी इसलिए इसको नहीं पता कि लास्ट मंथ भी ये इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर हेयरिंग के बाद ये गई थी, है ना, अपने भैया और भाभी के साथ, लेकिन वो भूल जाती है, नहीं दिखा मतलब नहीं उनको पता होगा शायद, इसलिए 6 महीने सोच लिया उन्होंने, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल फैमिली में लोग साल में साल तिमाही कभी जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो ये तो भैया बड़े बड़े लोगों के जो होते हैं ना बजट हिल जाते हैं, लेकिन अब इन लोगों को देखकर तो क्या ही कहें कि नया नया पैसा आया, समझ में नहीं आ रहा खर्चा कहाँ करें, तो कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।